नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सतना फरियादी रामलाल यादव पिता राम विश्वास यादव उम्र 23 वर्ष निवासी गिरजापुर जिगनर थाना सिटी कोतवाली सतना आज दिनांक 20 जुलाई सुबह 8:30 बजे अपनी भैंस का दूध धोने जा रहा था, तभी आरोपी बीनू यादव आया और मां बहन की गालियां देने लगा। रामलाल ने गाली देने से मना किया तो सड़क से एक पत्थर उठाकर उसके सर की तरफ फेंका। रामलाल झुक गया तो उसके बाएं गाल एवं बाएं कंधे पर पत्थर की चोट से वह लहूलुहान हो गया। रामलाल का बड़ा भाई उदय प्रकाश यादव और मां रनिया यादव और गांव का एक पटेल आकर बीच बचाव किए। तब बीनू यादव ने गाली देते हुए कहा कि अगर पुलिस के पास जाओगे तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा। घटना की FIR फरियादी ने सिटी कोतवाली में की। पुलिस ने जिला अस्पताल भेजकर उसका MLC करवाया। डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन पर्चे में लिख कर दी वह पर्चा पुलिस के सिपाही ने अपने पास रख लिया, फरियादी को दिया ही नहीं, जिसकी वजह से वह अपना पूरी तरह से उपचार भी नहीं करा पाया। पुलिस ने आरोपी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 294, 323, 506 के कायमी करते हुए फरियादी को नकल प्रदान कर दी। ये सभी धाराएं जमानती धाराएं हैं। इस बात की जानकारी पुलिस स्वयं आरोपी को देती है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद रहते हैं। सुबह मेरा भाई भैंस लगाने जा रहा था, जिसमें से अभी लड़ाई 4-5 दिन से चल रही है। मेरी मम्मी को भी मारा था, 3 दिन भर्ती थी, 1-2 दिन अभी छुट्टी के लिए हुआ है। मैं मेरे भाई को पत्थर नहीं मारा। किसने मारा? बीनू यादव, बिजनेश यादव, उसके पिता का नाम। बीनू यादव क्या करता है? ये बस उनके साथ ट्रैक्टर उक्टर चलाता, ट्रैक्टर से मेरी बोटरिंग भी उधास दिया है, उसकी वीडियो भी है। खुद का उसका ट्रैक्टर है या किराए किसी का चलाता है? खुद का उसी का ट्रैक्टर, आज तक रजिस्ट्रेशन भी उसका नहीं हुआ। लाइसेंस बना है उसका? कोई लाइसेंस नहीं, कोई कागज नहीं साहब। और पूर्व में क्या घटना हुई थी? पूर्व में हमारे मम्मी को मार दिया रहा। कब? अभी 15 तारीख को। उसकी FIR किए हो? उसकी FIR हो गई है, 4 हमने FIR सिटी कोतवाली सतना में किया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमारा मरीज हॉस्पिटल में होना चाहिए, मैं यहाँ थाना में खड़ा हूँ, मेरी मेडिकल की पर्ची नहीं ले आ रहे हैं, दे रहे हैं मुझे। अच्छा, मतलब जो मेडिकल कराने सिपाही गया था, पर्ची उसके पास है? उसके पास है, कहता है कि पर्ची गुम गई है, मैं ना दूंगा, तुम दूसरी पर्ची बनवा लो, केस मुझे डाउन करना, मैं पैसा खा लिया हूँ। अच्छा, कौन बोला ऐसा? ये बोला नहीं, हमें ऐसा लगता है पैसा खा लिया। अच्छा, तुम्हें ऐसी आशंका है? जी। उस सिपाही ने कुछ पैसा ले लिया है आरोपी से? जी। है ना? जी। घटना तुम्हारे साथ हुई है? जी। तुम्हारा क्या नाम है? रामलाल यादव। तुम क्या करते हो रामलाल? मैं दूध का धंधा करता हूँ। अच्छा, ये कब की घटना है? ये अभी सुबह की घटना है, 9 बजे की। सुबह 9 बजे? हाँ। तो बीनू यादव? बीनू यादव ने मारा पत्थर से। पत्थर मारा तुम्हारे? हाँ। जो ये चेहरे पे लगी? हाँ, हाँ, हाँ। चेहरे पे लगी है, ये कंधे पे लगी है, दो पत्थर मारा। और बीनू यादव से तुम लोगों की और कोई पुरानी रंजिश? पुरानी हो गया, जमीन का मामला चल रहा है, अपनी बेच दिया। अब हमारी लोगों हटने में लगा है, यही चल रहा है। और रिश्ते में कौन है तुम्हारा? हमारे चाचा का लड़का लगता है। अच्छा, तुम्हारे चाचा का लड़का है और जमीन का मामला, अपने हिस्से की जमीन बेच दिया है, अब तुम्हारे हिस्से की जमीन में कब्जा करना चाहता है। हाँ, यही है। अच्छा, इसी रंजिश के चलते उसने तुम्हारे साथ मारपीट की है? हाँ। तुमने FIR कर दी? ठीक है रामलाल। सतना से खबर समय जगत के लिए राजेंद्र शुक्ल की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।